नमस्कार। वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। साथ ही आप सभी को लगता होगा कि जनरल इलेक्शन यानी कि लोकसभा चुनाव प्लस स्टेट असेंबली यानी कि विधानसभा चुनाव प्लस लोकल म्यूनिसिपल या फिर पंचायत इलेक्शन एक साथ होंगे तो भारत इज इक्वल टू विश्व गुरु हो जाएगा। ऐसा होगा इसीलिए क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा बचेगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और बहुत सारी बातें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कुछ लोगों को लगती होगी कि चुनावी बयानबाजी सिर्फ कुछ दिनों को सुनने को मिलेगी, लेकिन पिक्चर यहां पर खत्म नहीं होती है। मैंने एक पोल रन किया था, आप सबके जो स्क्रीनशॉट मैंने यहां लगा दिए हैं, सभी के मिले जुले कमेंट्स आए थे, उसको मैंने शामिल किया अपने ओवरऑल एनालिसिस में। वन नेशन वन इलेक्शन से क्या नुकसान होंगे और क्या क्या फायदे होने वाले हैं, इसको डिकोड करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इसे इंप्लीमेंट करना आसान है तो हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो वन नेशन वन इलेक्शन का जो थ्योरी फेल हो जाती है। तो क्या क्या सजेशंस होने वाले इस वीडियो में मैंने बताए हैं, चलिए मिल करके डिकोड करते हैं। पीएम मोदी ने 40 पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेसिडेंट को एक इन्विटेशन भेजा था ताकि वन नेशन वन इलेक्शन पर उनके क्या सजेशंस हैं, उनके क्या व्यूज हैं, वो क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं, इस पर बातचीत की जाए। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, मात्र 21 पार्टी ने उस मीटिंग को अटेंड किया, बाकी ने नहीं किया, जिसमें कांग्रेस के प्रेसिडेंट राहुल गांधी, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर और तृणमूल कांग्रेस की लीडर ममता बनर्जी, बीएसपी की सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव सपा के, उन्होंने मीटिंग को अटेंड नहीं किया था। अब बात करते हैं कि जब अलग अलग स्टेट असेंबलीज में इलेक्शन होते रहते हैं तो पब्लिक को क्या नुकसान होते हैं, अब इसके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। साल दर साल चुनाव होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू जैसे ही होता है, सेंटर की और स्टेट की सारी कामों की जो फाइलें हैं वो सब रुक जाती हैं। इलेक्शन होता है तो सरकार पर भी प्रेशर होता है, तो उसके लिए कोई भी बहुत बड़े या फिर मैं यूं कहूं तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बना पाती है। इस बात के मैं आपको 3 परफेक्ट एग्जांपल देने वाला हूं जिससे आप समझ सकेंगे कि इसमें जनता की परेशानी और नुकसान कहां कहां होता है। पहली बात, जब भी किसी स्टेट्स में इलेक्शन होते हैं तो उसी हिसाब से इवेंट्स को प्लान किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, ताकि वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सके और शॉर्ट टाइम में इमीडिएट बेनिफिट लिया जा सके। जैसे केराना का लोकसभा चुनाव और नूरपुर विधानसभा में जब बाईपोल इलेक्शन से ठीक एक दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ 60 किलोमीटर दूर बागपत में उद्घाटन यानी इनॉग्रेशन के साथ रोड शो किया था। अब कोई भी सेंसिबल बंदा या सेंसिबल आदमी ये कहेगा कि ये रैली जो है वो बाईपोल इलेक्शन को अफेक्ट करने के लिए या उसको ध्यान में रख करके की गई थी। अब आप सभी को वो 2017 में गुजरात का स्टेट असेंबली इलेक्शन विधानसभा इलेक्शन याद होगा। मोदी के गुजरात में कांग्रेस एक अच्छी खासी पोजीशन में थी क्योंकि कई सारे युवाओं नेताओं को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था, अपने साथ ले लिया था। बीजेपी के लिए इलेक्शन जीतना काफी मुश्किल लग रहा था। पहले अमित शाह गुजरात पहुंचते हैं, डेरा जमाते हैं, फिर उसके बाद मोदी जी का पूरा कैबिनेट वहां पहुंच जाता है, कैंपेनिंग करता है, गली मोहल्ले में जाके वोट मांगता है। अब आप सोचिए, ये सारे मंत्री अगर दिल्ली में होते क्या ज्यादा काम नहीं किया जा सकता था? नुकसान किसका हुआ, हमारा या आपके पैसों का या पूरे देश का? तो कमेंट करना अभी से शुरू कर दीजिए और एक एक करके मुझे बताइए। अब आते हैं तीसरे, जो बड़ी प्रैक्टिकल सी चीज है। जब से प्रधानमंत्री मोदी बने हैं तब से आपने देखा होगा कि वो चुनाव दर चुनाव उन्होंने चुनावी भाषण कैंपेनिंग किया है और 18 घंटे वो काम करते हैं, ऐसा अपने हर किसी को बताते हैं। एक केस 2018 में कर्नाटक चुनाव से समझाता हूं, जब मोदी जी को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन यानी कि इनॉग्रेशन करना था, तब मोदी जी कर्नाटक में कैंपेनिंग करते हुए बिजी थे, उनको समय नहीं मिल रहा था, लगातार वो कैंपेन कर रहे थे। कई बार पेरिफेरल एक्सप्रेस वे अपना उद्घाटन की जो डेट थी वो मिस कर रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से पूछा कि जब एक्सप्रेस वे बनकर के तैयार है तो जनता के लिए आखिर खोला क्यों नहीं जा रहा, बड़े मतलब कड़े लहजे में कहा गया था। अप्रैल में इसकी डेट थी उद्घाटन की, उसी टाइम नहीं हुआ। अप्रैल में इसकी डेट थी उद्घाटन, तब भी नहीं हुआ। मई में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली बोला कि अगर मंथ के लास्ट तक प्रधानमंत्री मोदी एक्सप्रेस वे का उद्घाटन नहीं करते हैं तो 1 जून को उसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अब आप मुझे इसमें बताइए कि इसमें जो देरी होती जा रही थी उसमें नुकसान किसका हो रहा था, पब्लिक का हो रहा था या फिर चुनावी फायदा हो रहा था? कमेंट सेक्शन में इसका भी जवाब मुझे आप बताइए।
कई लोगों को ऐसा लगेगा कि सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन मोदी जी के दिमाग की उपज है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं पूरा इसका हिस्ट्री बताता हूं। जब भारत में पहली बार इलेक्शंस हुए थे 1951 में, तो पहले लोकसभा चुनाव के साथ साथ 22 स्टेट्स असेंबली के इलेक्शन एक साथ हुए थे और यह सिलसिला 1967 तक चला। लेकिन धीरे धीरे लोकसभा की जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम होती चली गई, सरकारें बनी और टूटी, कई राज्यों में सरकारों को टर्मिनेट किए जाने लगा, राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जाने लगा, चुनाव की टाइमिंग बदलती गई, जिस कारण से साल दर साल कोई ना कोई किसी ना किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं, विधानसभा चुनाव। अब उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 1983 में एक सजेशन दिया था कि जनरल इलेक्शन के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे कि स्टेट असेंबली इलेक्शन को भी एक साथ करा देंगे। और उसके बाद 1999 में लॉ कमीशन ने सजेशन भी दिया था और उसकी रिपोर्ट 2015 में पार्लियामेंट की स्टडी कमेटी को दी थी, जिसको उन्होंने एग्जामिन भी किया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कोई भी अपडेट हमारे सामने नहीं आया था। अब जनरल इलेक्शन और स्टेट असेंबली इलेक्शन एक साथ होते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो क्या फायदा होगा, अब इस पर नजर डालते हैं। अभी 2019 के जनरल इलेक्शन यानी कि लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं। अब हरियाणा, महाराष्ट्र और भी ऐसे स्टेट्स हैं जहां विधानसभा चुनाव स्टेट असेंबली इलेक्शन की तैयारी होने लगी है। अब इन राज्यों के चुनावों के बाद और कुछ राज्यों में चुनावों की तैयारी होने लगेगी, तो आप देखेंगे कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एमएलए के लिए वोट मांगेंगे, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में वो म्यूनिसिपल पंचायत यानी कि प्रधान और चेयरमैन के लिए भी वोट मांगना वो शुरू कर देंगे। तो मतलब कहने का ये है कि वो कैंपेनिंग करना फिर से शुरू कर देंगे। अब देखिए, रिपोर्ट बताती है कि 2019 के लोकसभा इलेक्शंस पर 50,000 करोड़ रुपए खर्चे गए थे, इतना बड़ा अमाउंट है ये। जब स्टेट के इलेक्शंस और लोकसभा इलेक्शंस अब एक साथ होंगे, कंबाइंड होंगे, तो सरकार का जो इलेक्शन का जो हेडक है वो कम हो जाएगा, जो एक्सपेंस है वो बट जाएगा, सिक्योरिटी फोर्सेस पे खर्च होने वाला जो पैसा है वो भी बचा लिया जाएगा, मतलब कई तरह के जो मिसलेनियस जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कम हो जाएंगे, टाइम बचेंगे और सरकार, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर के पॉलिसी बना सकती है, इंप्लीमेंट कर सकती हैं, मिलकर के काम करेंगे। बार बार इलेक्शन की वजह से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता था, जिसकी वजह से भी सेंटर को सफर करना पड़ता था, कोई भी नई योजना लागू नहीं कर पाते थे, अब उन सब से बचा जा सकता है। अब इलेक्शन मोड में कई सारे रोड शोज होते हैं, अब जिसकी वजह से अलग अलग पॉल्यूशंस होते हैं, ट्रैफिक जैम होता है, पब्लिक को परेशानी होती है, वो खत्म हो जाएगी, आपका पैसा बचेगा, उससे हॉस्पिटल्स, रोड्स, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर भी लगाया जा सकेगा, जो अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे डेवलपमेंट के रूप में हमें दिखाई देगा। लेकिन अब प्रॉब्लम्स क्या है वन नेशन वन इलेक्शन को इंप्लीमेंट करने में, वो बात कर लेते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पैसे बचाने के चक्कर में लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी भी खत्म हो सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसे देश का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो अभी भी अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, वो लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन में कंफ्यूज कर सकता है, बहुत सारी चीजों को वो मिक्सअप कर सकता है। मतलब कहने का यही है, जिसका मतलब साफ हो जाता है कि उसकी ताकत, आम आदमी की ताकत यानी कि उसका वोट, उसकी कमजोरी बन सकती है, इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और यहां पर आपको एक बात नोट करनी चाहिए, अभी हाल ही में 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे, उसके साथ साथ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए थे। और मैं आपको बता दूं कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश में रीजनल पार्टी का दबदबा रहा, वो वहां पे सरकार बनाने में कामयाब रही और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सरकार अपनी बनाई, तो यहां पर डिफ्रेंशिएट कर पाए। लेकिन अगर हम कहें कि इन दो राज्यों को लेकर के पूरे अलग अलग स्टेट्स में ऐसा हो सकता है, इसकी उम्मीदें बहुत कम है। अब दूसरा, कि एक साथ चुनाव कराने में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की कमी अभी भी हमारे देश में है, कई सारी रिपोर्ट्स बताती है, एक चिंता का एक ये भी बन सकता है। अगर इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया जाता है तो क्या क्या चेंजेस करने होंगे इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, उस पर नजर डालते हैं। आर्टिकल 83 जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट की टाइम ड्यूरेशन बताता है,
उसको भी आपको संशोधन करना होगा, अमेंड करना होगा। अब आर्टिकल 172 जो कि स्टेट्स की टाइमिंग की ड्यूरेशन को बताता है, जो कि 5 साल डिफाइन करता है, इसका मतलब यहां साफ हो जाता है कि स्टेट की जो टेन्योर है, जो ड्यूरेशन है, वो 5 साल से 6 साल नहीं हो सकता, यानी कि एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। तो इसमें बदलाव, इसमें भी संशोधन किया जा रहा जाएगा अगर होता है तो। आर्टिकल 174 को भी अमेंडमेंट करना होगा, जो स्टेट असेंबली की डिसॉल्यूशन को डिफाइन करता है, और साथ ही द रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट को भी अमेंड करना होगा, जो दोनों पार्लियामेंट्स के टेन्योर की स्टेबिलिटी की बात करता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है, इलेक्शन कमीशन के पावर और फंक्शन को भी दोबारा से रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है। ये सारे अमेंडमेंट्स वन नेशन वन इलेक्शन को इंट्रोड्यूस करने के लिए दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी के पास 2/3 बहुमत होना चाहिए, यानी कि मेजोरिटी होनी चाहिए। लोकसभा में तो बीजेपी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी को प्रॉब्लम हो सकती है अगर क्षेत्रीय पार्टी उनका साथ नहीं देती है, तो 2021 तक मेजोरिटी बीजेपी की हो सकती है। अब सवाल यह है कि अगर चेंजेस नहीं किए जाते तो सजेशंस क्या क्या हो सकते हैं, कुछ पॉइंट्स ये हैं। जनरल इलेक्शन में एक कैंडिडेट 70 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है, और विधानसभा यानी कि स्टेट असेंबली इलेक्शन में 28 लाख तक खर्च कर सकता है। और कई बार तो हमने ये सुना है कि 70 प्लस 28 को भी अगर हम मिला भी दें तो कैंडिडेट को टिकट तक नहीं मिल पाती है। ये सच है या नहीं, आप लोगों से बेहतर कौन बता सकता है। और ये सारी बातें सबको पता होती कि पैसा बहुत ज्यादा खर्च किया जा रहा है, इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन को भी पता है कि इतना पैसा फूंका जा रहा है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन को एटलीस्ट ऐसे कुछ डिसीजन लेने होंगे, ऐसे कुछ रूल्स बनाने होंगे जो आलतू फालतू खर्च करने से कैंडिडेट बचे, यानी कि चुनावी खर्च की सीमा को सख्ती के साथ लागू किया जाए। दूसरी सजेशन ये हो सकती है कि स्टेट असेंबली इलेक्शन जब होते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो लागू होता है, स्टेट के जितने भी काम हैं वो सब रुक जाते हैं, विकास का पहिया रुक जाता है, साथ ही सेंटर का भी। यहां पर ऐसे कुछ चेंजेस करने होंगे जैसे इलेक्शन कहीं भी हो लेकिन सेंटर का काम ज्यों का त्यों चलना चाहिए, उसको रुकना नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, तीसरा सजेशन कुछ ऐसा है, कई बार देखा गया है कि स्टेट असेंबली इलेक्शन को कई फेजों तक खींचा जाता है, जैसे कि 6-7 फेजों तक उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा है विधानसभा चुनाव के लिए, तो ये चीजें कुछ समझ के परे हैं। और चौथा, मीडिया में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद जो इंटरव्यू होते हैं, जो रैलीज दिखाई जाती है, दिन दिन भर उसी में डिबेट चलते हैं, तो वो बिल्कुल लोगों को गुमराह करते हैं। मैं जो पर्सनली चाहता हूं कि इस पर भी इलेक्शन कमीशन कुछ गाइडलाइन इशू करे और सोचे और इन पर भी लगाम लगाए, ताकि पब्लिक का जो भरोसा है वो थोड़ा डगमगाए नहीं, जो इस समय हो रखा है। कुल मिला के दोस्तों, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताना, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इंस्टा मोजो पे जाइए और मुझे आप पे आउट कर सकते हैं 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक, और आपका हर एक डोनेशन चैनल को और स्ट्रेंथन करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सत्यमेव जयते।